तो चलिए आज चलते हैं स्पार के सिमोन बोलीवार। अगस्त बहुत ही विंडी होता है बोगटा में, इसलिए हमने सोचा कि हम भी यहाँ पे पतंग उड़ाने चले। ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है और काफ़ी पतंग, ओहो, ये तो नीचे आ गया। बड़े सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है, खूब नीला आसमान। और यहाँ टिपिकली जो फैमिलीज होते हैं अपने कुत्तों को और बच्चों को, बच्चों से ज़्यादा कुत्ते ऑफ कोर्स, तो सब लेके पहुँचे हुए हैं। और ये हमारा मोटू बम्बलबी, और आज इसको हमें उड़ाने का इरादा है। तो वैसे ये काफ़ी रेडीमेड सा आता है, ये बड़े अच्छे से पैकेट में, और इसको हमने अनफोल्ड करके उड़ाने की कोशिश यहाँ प्रिया की भरपूर कोशिश, और पता नहीं ये ऊपर जा पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कामयाब हो चुके हैं। और ये नहीं, ओके कामयाब, मैं तो लेट के आराम से देख रही हूँ क्या चल रहा है। और चलिए एक और बंदा लेटा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ पिकनिकिंग करने के लिए आई हुई हैं और सभी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। गजब गजब के ये जो पतंग हैं, अजीब अजीब के शेप्स, साइजेस, डिज़ाइंस, और हमें तो इसी को देखने में मज़ा आ रहा। ये हमारा बम्बलबी पौजी, ये ऊपर गया और आसमान में गायब हो गया। बच्चों को देखने का मज़ा ही कुछ और है, खूब इन्जॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। और कुछ ऐसे मित्र भी यहाँ पर, बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, दे विल कम एंड से हेलो टू यू। और अब हम इन लोगों को देख के हमें भी थोड़ी चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो ये है प्रिया ने पूरी और बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा अचार, और नागेंद्र जी की बहुत ही, अभी तो प्रोफेशनल हो गए चाय बनाने में। तो मेरे ख्याल से बस अब हमें यहाँ पे लेट कर इन्जॉय करना है। और इतना बढ़िया आज का मौसम है। दैट्स मी, आई मस्ट कन्फेस, ये मैंने सिर्फ वीडियो लेने के लिए ऐसे थोड़ा धागा पकड़ लिया था, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इतना हवा में उड़ाने के लिए। और मेरे ख्याल से एक दो घंटे के बाद अब हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, और बस यूं ही काइट्स को अप्रिशिएट करते हुए और पूरी सीनरी को इन्जॉय करते हुए अब हम धीरे धीरे पार्क के सिमोन बोलीवार में एक लंबा सा चक्कर लगा के वापस घर जाने का प्लान बन रहा है। नहीं, ये कोई पक्षी नहीं था, ये एक्चुअली पतंग थी। और वाह क्या बात है, ये बचपन के दिन ऐसे ही, उस समय ये नहीं होता था ना कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। पार्क सिमोन बोलीवार इज ट्रूली अ रिमार्केबल अर्बन सेंचुरी विद एम्पल स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड एक्सप्लोर। ऑफ कोर्स वी ऑल्सो स्पेंड टाइम वॉन्डरिंग द वाइंडिंग पाथ्स, taking in the lush greenery and the stunning backdrop of the beautiful blue sky. बाहर सड़क पर हजारों पतंगें बिक रही हैं और खूब सारे लोग अभी भी पार्क में आ रहे हैं enjoy करने के लिए kite flying. So thank you for joining me for kite flying in Parque Simón Bolívar. Hasta luego.